हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। हमें दिल अरे उठ भाभी नीचे बैठ नीचे बैठ। अच्छा अच्छा उतर। हाँ क्या हुआ तू गया नहीं कूड़ा लेने के लिए? नहीं मिल रहा था। अरे तो लाया क्यों नहीं? शबाना के आने का वक्त हो रहा है। भाई भाभी हमने सोचा कूड़ा कर घर में ले आएंगे, बदबू से जीना दूभर हो जाता भाभी। आए हाय जीना दूभर हो जाता हमारा। पता मैं ये सोच रही थी कि शबाना के आने से पहले दो दिन पहले तुझसे कहूँ कि दांतों में ब्रश करना छोड़ देना। जब तू ऐसा करेगा ऐसी बदबू पूरे घर से आएगी जैसे मुर्गी के दड़बे के अंदर से आती है, फिर किसी कचरे वचरे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा किया भाभी कि हमारे मुंह को मुर्गी खाना कह दिया। अगर कहीं आप हमारे मुंह को मछली बाजार कहती तो ये आपके मुंह के साथ काफी हकलफी हो जाती भाभी। कैसी हकलफी? अरे मैं तुझे अभी आए अल्लाह मनोज बैठा रहे यहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई कचरा वचरा लाने की जरूरत नहीं है तुझे। हाँ बस एक छोटी सी गुजारिश है। हाँ भाभी। वो ये करना हाँ कि ब्रश तो तू करता नहीं है वैसे ही, मैं बता रही हूँ कि शबाने के करीब को होके दो चार सांसों के भक्के छोड़ देना। हाँ फिर वो अगर मरी नहीं ना तो कम अज कम पागल होके यहाँ से चलती बनेगी, ये बात तय है। और यह बात भी तय है भाभी कि अगर हमारा मुंह उनके करीब चला गया तो वापस लाने में बहुत देर लग जाएगी भाभी। मैं तुझे बताती हूँ तेरा मुंह। क्या मसला है, इतनी हबड़ धबड़ में क्यों बुलाया मुझे? वो मैं सोच रही थी कुछ। क्या? ये जो मैंने इतना सारा खाना बनाया चाची के लिए इसका क्या होगा? क्या होगा, खाएंगे और क्या होगा। लेकिन अम्मी को पता चल गया वो तो मेरी जान निकाल देगी कि मैंने उनके लिए इतने दिल से इतना सारा खाना बनाया है। वो तो निकालेंगी जान, तुम्हें नहीं पता कि अम्मा चाची का कैसे इस्तकबाल करती हैं। प्लीज इल्जाम अपने सर ले लो ना, उन्हें बोल दो खाना तुमने बनाया है। ना बाबा ना, ताकि वो मेरी जान निकाले। हाँ तो निकलवा लो ना जान। देखो तुम उन्हें ना बहुत अच्छे से हैंडल करती हो। मेरा क्या है? मैं तो हूँ ही सौतेली। भाई तुम अब ये बार बार ना सौतेली सौतेली नहीं किया करो, मैं बोलूंगी मैंने बनाया। पक्का? हाँ पक्का। मुकरोगी तो नहीं? नहीं। अरे देखो मेरी बात सुनो, तुमने ना थाने में अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब जज के सामने अगर तुम कोर्ट में मुकरी तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ सुनो, ये बिरयानी दम पे लगाइए और सालन भी देख लेना। मुकरना मत। अब ये भी मैं करूं? अरे सुनो देखा आपने कैसे शानदार इस्तकबाल की तैयारियां हो रही। अब आपको क्रिकेट के बजाय ग्राउंड में कूड़ा करकट देखने को मिलेगा। जाहिर है 12 साल के बाद जो टीम आ रही हो उसका इस्तकबाल इतना शानदार तो होना चाहिए ना। और अभी तो आपने इस्तकबाल की तैयारियां देखी है, इस्तकबाल कौन देखा है। लंदन की फ्लाइट लैंड कर चुकी है और टीम किसी वक्त भी ग्राउंड में दाखिल होने वाली है। अब देखना यह है कि टीम को पिच तक पहुंचने दिया जाएगा या मैच गेट से ही शुरू हो जाएगा, ये देख लीजिए चलना पड़ेगा। तो भी दिखाओ। वालेकुम अस्सलाम। मैं आ गई। फरहान को पूरे 2 साल हो गए गए वे, तुम क्यों आ गई? लो भाभी जी वैसे ये क्या बात की है आपने? हैं
मैं तो समझी थी कि आप इतनी खुश होंगी, कुछ कहेंगी हाउ आर यू, ना कोई चाय ना कोई पानी, डायरेक्ट लाठी मार दी आपने। तौबा, सांप लौट रहे होंगे तेरे दिल पे। आए हाय, दिल कैसे लगेगा, दिल तो इस मकान में पड़ा हुआ होगा ना। सोच रही होगी कैसे वड्डी भाभी इस मकान में रह गई। हाँ सब समझती हूँ, तुम्हारे इस्तकबाल का लशपश इंतजाम ये देखो। भाभी जी है कि ये भाई, ये ऑनलाइन मंगवाया है तुम्हारे इस्तकबाल के लिए। ये देखो इस तरह करते हैं इसको, ये किया, अब यू एंजॉय द पोशन और मैं चली अपने पोशन में। ओए बंदा पूछे है केड़ा इस्तकबाल है चुटकी ला के। चलो अंदर चल के ना, मैं भी देखनी हूं ये केड़ा इंतजाम हो रहा है। मैं आई भाभी जी।